मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाने के आरोपी अस्पताल पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। प्रशासन ने आरोपी के प्राइवेट अस्पताल को बुलडोजर से जमींदोज किए जाने का नोटिस चस्पा कर दिया है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जांच में पाया कि आरोपी के अस्पताल की बिल्डिंग का नक्शा पास ही नहीं हुआ था। लापरवाही की एक सीमा होती है, लेकिन ऐसी लापरवाही भी कैसी कि यही होश नहीं कि मरीज को प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा है या फिर मौसमी का जूस। प्रयागराज के एक अस्पताल में डेंगू के मरीज को कथित तौर पर प्लाज्मा की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद मचे खबासान के बाद प्रशासन की नींद खुली और अस्पताल प्रशासन के रडार पर है। प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाने के आरोपी अस्पताल पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। प्रशासन ने आरोपी के प्राइवेट अस्पताल को बुलडोजर से जमींदोज किए जाने का नोटिस चस्पा कर दिया है। दरअसल रडार पर आने के बाद प्रशासन ने जांच में पाया कि अस्पताल की बिल्डिंग बिना नक्शा पास कराए बनवाई गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अस्पताल की इमारत के मालिक को नोटिस थमाया है। नोटिस में बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग क्यों बनाई गई, कारण पूछते हुए पूरे कागजात के साथ स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश नहीं मानने पर जल्द ध्वस्तीकरण किए जाने की बात कही गई है। प्रयागराज में डेंगू के मरीज को गलत प्लेटलेट चढ़ाने के मामले पर अस्पताल पर कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी। इसको लेकर के अस्पताल के जो नक्शा पास कराने को लेकर के प्राधिकरण की तरफ से नोटिस दिया गया है और नोटिस का सही समय पर जवाब न दिए जाने पर उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें कि प्रयागराज के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में 14 अक्टूबर को एक मरीज को भर्ती कराया गया था, जहां 16 अक्टूबर को प्लेटलेट 17,000 पहुंचने पर मरीज को 3 यूनिट प्लेटलेट चढ़ाई गई। प्लेटलेट चढ़ाते वक्त मरीज की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल ने मरीज को अपने यहां से रेफर कर दिया। वहीं 19 अक्टूबर को मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मरीज को प्लेटलेट्स के बदले मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। इस मामले को प्रदेश की योगी सरकार ने गंभीरता से लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश के बाद सीएमओ प्रयागराज डॉक्टर नानक सरन ने ग्लोबल अस्पताल को सील कर दिया था। अब अस्पताल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बता दें कि प्रयागराज के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में 14 अक्टूबर को एक मरीज को भर्ती कराया गया था, जहां 16 अक्टूबर को प्लेटलेट 17,000 पहुंचने पर मरीज को 3 यूनिट प्लेटलेट चढ़ाई गई। प्लेटलेट चढ़ाते वक्त मरीज की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल ने मरीज को अपने यहां से रेफर कर दिया। वहीं 19 अक्टूबर को मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मरीज को प्लेटलेट्स के बदले मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। इस मामले को प्रदेश की योगी सरकार ने गंभीरता से लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश के बाद सीएमओ प्रयागराज डॉक्टर नानक सरन ने ग्लोबल अस्पताल को सील कर दिया था। अब अस्पताल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।